Welcome to Study English IELTS Preparation. I'm Ishwar Sindhal. So let's look at how to boost up score in the writing and how do you need to plan your essay. So essay ko plan kis tarike se karna hai and what are the basic steps that you need to take for writing a better standard score. So the initial stage of writing is understand the question. सबसे पहले आपने क्या करना है, question को understand करना है कि question exactly आपसे क्या demand करता है. Most probably what happens with the student, they do not try to understand the question. They normally emphasize on writing. आप एक बार question को पढ़ते हो और आप उसको लिखना start कर देते हो. So ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. जब भी आपके पास में question होता है, so always just make a habit for writing that question. आप उसको पहले एक बार पढ़ें, understand करें. Understanding of the question is most important. जब तक आप question को understand नहीं करते, till that time, उसके बारे में अच्छा लिखना is quite hard. So understanding of the question is very important. Let's take an example. Some people think that games are for everyone, children as well as for adults. Some people think that games are important for everyone, children as well as for adult. However, some people think that games are only meant for children, not for adults. Do you agree or disagree? So in this point, what is demonstrated actually? Some people think that in the pre part of the question, some people think that games are meant for the children. Games are meant for both adult and children. Ki games jo hain wo dono ke liye hain, badon ke liye bhi aur choton ke liye bhi. On the other hand, dusre mein kiske bare mein baat kar rahi ki games are only meant for children, not for adult. Ki games jo hain wo sirf bachchon ke liye banayi gayi hain, badon ke liye nahi banayi gayi. So in this point, what you are gonna do state, aapne agree or disagree point ko state karna hai. पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है. पहले पार्ट में आप किसके बारे में बात करेंगे, गेम्स के, कि वो एडल्ट और जो है बच्चों के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल किस वेज में है. देन फर्दर आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो एडल्ट के लिए क्यों नहीं है, बच्चों के लिए क्यों है. सो दिस इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लान एंड स्केड्यूल, राइट. सो प्लानिंग ऑफ द टॉपिक इज अगेन अ नेसेसरी पॉइंट. जब तक आपके पास में प्लानिंग नहीं है टॉपिक का, मीन्स एग्जैक्टली आप टॉपिक में क्या लिखने वाले हैं, कौन से पॉइंट्स आप डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, किस पॉइंट की को जो है आप सबसे टॉप लिस्ट में रखना चाहते हो, टॉप पैराग्राफ में किस पॉइंट को आपने डाउन में रखना है. फर्दर इज देयर स्केड्यूल. टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जिसके पास में प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट नहीं है, द स्टूडेंट वुड डेफिनेटली लैक इन द राइटिंग. क्योंकि प्लानिंग और जो टाइम मैनेजमेंट आर द की फैक्टर्स ऑफ सक्सेस इन द राइटिंग. क्योंकि राइटिंग टास्क 2 की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, सो इट कंटेन्स द डबल बैंड स्कोर ऑफ राइटिंग एज यू नो वेरी वेल. सो अगर वहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं वहाँ पर स्किप हो जाता है लास्ट में जब हमारे पास में टाइम नहीं बचता, या फिर क्या होता है कि हम राइटिंग टास्क 2 के ऊपर उतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही टाइम डिवोट कर देते हैं कि लाइक 40 मिनट का राइटिंग टास्क 2 होता है और आपने उस पर 50 मिनट्स लगा दिए या 45 मिनट लगा दिए, तो राइटिंग टास्क 1 को करने के लिए आपके पास में महज 15 मिनट बाकी बचते हैं. और यहाँ पे आपको उसकी प्रूफ रीडिंग भी करनी है अभी राइटिंग टास्क 2 की, वो भी आपके पेंडिंग है. तो फिर उसके अंदर जब आप पजल होते हो तो फिर आप ना तो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो राइटिंग टास्क 1 में, तो स्कोर पुअर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाते हैं. सो प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फैक्टर. उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखना है. राइटिंग टास्क 2 में आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 30 मिनट्स में टॉपिक को दूँ, नॉट 40 मिनट. ऑल दो वी आर गिवन 40 मिनट्स ऑफिशियली फॉर राइटिंग दैट टॉपिक, बट 40 मिनट मैंने उसमें नहीं लगाने हैं. आई जस्ट नीड टू राइट द कम्प्लीट पैसेज और द कम्प्लीट राइटिंग इन द 30 मिनट फॉर द टास्क 2 एक्चुअली. एंड वट एवर द टाइमिंग यू आर हैविंग, 10 मिनट्स जो बचते हैं, लेफ्ट रहता है आपके पास में, उसमें आप उसको प्रूफ रीड करें. बिकॉज प्रूफ रीडिंग से आप अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे. प्रूफ रीड करने के बाद में जो करेक्शंस हैं वो करें, देन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट टास्क. देन फर्दर इज देयर रीड वाइडली. रीड वाइडली वाई दिस इज सो, कि रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है उसके लिए. वाट आई एम टेलिंग यू,
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप बहुत सारे स्टूडेंट, एक्चुअली वी गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट एंड सर आइडियाज़ का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट प्रॉब्लम इन गेटिंग मोर आइडियाज़, कि आइडियाज़ उनके पास में नहीं होते. और स्टूडेंट समटाइम्स होते हैं जब वो ऐसे लिख रहे होते हैं तो उनसे अगर पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं ऐसे किया अभी तक, तो उनका पॉइंट यही होता है कि हमारे पास में इसके लिए कोई ओपिनियन नहीं है. ओपिनियन का कोई भी स्टॉक नहीं होता, ना ओपिनियन कोई बिल्डअप कर सकता आपके लिए. इफ़ आई से कि मैं आपके ओपिनियंस बता सकता हूँ या ये ओपिनियंस आप यूज़ करें, दैट इज़ अ मिथ. एक्चुअली बहुत सारे चैलेंजेस करते हैं कि राइटिंग के ओपिनियंस के लिए चार लाइनें सीखें और बैंड एट आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी आता किसी का स्कोर. प्लानिंग जो है वो करनी नेसेसरी है. टॉपिक्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बना के आप उसके बारे में वाइड तौर पे पढ़ें. ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा. जब आप एक कंटेंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, देन देयर आफ्टर बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस उस टास्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आइल्स में ऐसे किस किस टाइप के आते हैं. आप एजुकेशन के ऊपर पढ़ें, आप एंटरटेनमेंट के ऊपर पढ़ें, आप इंटरनेट के बारे में पढ़ें, आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ें, आप होम टाउन के बारे में कुछ पढ़ें, कि जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स टाइप हो गया. अपने होम टाउन में आप खुद भी देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की क्या वैल्यू होती है, क्यों लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं. अनदर पॉइंट, टूरिज़्म के बारे में आप पढ़ें कि टूरिज़्म क्या होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के क्या कारण हैं, किस क्या रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होने के. अनदर काइंड ऑफ टॉपिक, व्हाट एल्स यू कैन स्टडी. इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप पढ़ें, जो है टेररिज्म के बारे में आप पढ़ें. अनदर यू कैन टॉक अबाउट एनवायरनमेंट. अनदर यू कैन टॉक अबाउट एग्रीकल्चर. यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस. यू कैन टॉक अबाउट आर्किटेक्चर स्टाइल. बहुत सारे ऐसे की लिस्ट हैं, आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. तो उनके बारे में आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी. सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको रेगुलर एक हैबिट करना पड़ेगा कि आज मैंने किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है. मीन्स इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है तो इन्वायरमेंट के, और महज 15 मिनट अगर आप एक टॉपिक के ऊपर रेगुलर लगा लेते हो, उसके बारे में पढ़ लेते हो, राइटिंग के अंदर ओपिनियंस लेना वुड बिकम ज़ीरो. बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाती है आपकी प्रॉब्लम. जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए बैठोगे, तो आपके पास में सफिशिएंट स्टॉक होगा ओपिनियंस का. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, बी क्रिटिकल. बी क्रिटिकल, व्हाट डज इट मीन? दिस विल, व्हाट इट विल मेक योर एसे स्टैंड आउट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है राइटिंग के अंदर क्रिटिकल का. क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं कुछ वर्ड्स में पिछले मैंने रिपीट भी किया था. देखिए, आपने कोई भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हो, जब तक आपके पास में सफिशिएंट ओपिनियन नहीं होते उस टॉपिक की, जो भी आप लिख रहे हो. लेट्स टॉक एन एग्जांपल. मैंने अभी पहले, जैसे मेरी पिछले वर्ड्स में बताया था कि गेम्स के ऊपर टॉपिक था, तो गेम्स के जब तक मेरे पास में सफिशिएंट स्टॉक नहीं है ओपिनियंस का, तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड्स को चेंज करके, ओपिनियन सेम रहता कहीं ना कहीं, वर्ड्स को चेंज करके सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ. और जो स्टूडेंट स्कोर करते हैं 5.5 का या 5 का या 5.5 या 6 का स्कोर करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग के अंदर रिपीटेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं. तो वो रिपीटेशंस होने का क्या है, उनके व्यूज़ रिपीट ज़रूर होते हैं. 110% प्रूफ्ड है कि ओपिनियंस रिपीटेड होते हैं. अगर ओपिनियंस रिपीटेड हैं, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द गुड बैंड स्कोर. तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का होना ज़रूरी है. जब आप एक अच्छा ऐसे कहीं पे सैम्पल्स आप पढ़ते हो, तो लगता है आप लोगों को, और आप लोग सोचते भी हो कि यार ऐसे आइडियाज़ मेरे को नहीं आते कभी भी, मैं ऐसा ऐसे कभी नहीं लिख सकता. इट हैपन्स विद द स्टूडेंट, बट इट इज़ ऑल्सो अ मिथ. आप ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप बहुत अच्छा कर सकते हो. वॉट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें. रीड वाइडली, आप ज़्यादा पढ़े टॉपिक के बारे में, तो क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है, तो क्रिटिकल पॉइंट आप किसी भी चीज़ के सीख सकते हो. अदरवाइज आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे. लाइकवाइज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, तो नॉर्मल डॉक्टर उसको क्योर करता है. फर्स्ट दे कीप द पेशेंट इन द एमरजेंसी, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. Once after giving the first aid in the emergency, where they shift to the patient in ICU, that is intensive critical
केयर यूनिट, राइट। सो वो जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है तो वहाँ पे क्रिटिकल यूज़ को मैनेज करना होता है, सेम इज़ देयर इन द राइटिंग। तो क्रिटिकल ओपिनियंस आपके पास में होने जरूरी हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, फ्लो एंड फोकस। व्हाट डज इट मीन बाय, जो ग्राफ सॉरी टास्क जो आप लिख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद में जो पॉइंट्स आप उसके अंदर कर रहे हो उनका फ्लोज काफ़ी स्मूथ हो, मीन्स पॉइंट्स का लिंक होना चाहिए, एक पॉइंट से फर्स्ट का, सेकंड के साथ सेकंड का, थर्ड, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, राइट। और जब आप पूरा टॉपिक करते हो तो वहाँ पे आपको किसके ऊपर करना है, फोकस करना है। फोकस इन द सेंस ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था गेम्स के बारे में, तो आपने टॉपिक को कंप्लीट गेम्स के बारे में लिखना है। अगर हम वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं या और कोई टॉपिक पॉल्यूशन है उसको मर्ज करते हैं टॉपिक उसके अंदर, तो वहाँ पे बैंड स्कोर लूज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हायर हो जाते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना है। कंप्लीट टॉपिक जो भी आप लिख रहे हैं उसके ऊपर 100% आप फोकस करें। फोकस जैसे हो जाएगा देन आफ्टर वर्ड्स यू वुड बी एबल टू गेट गुड स्कोर। फर्दर इज़ देयर पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पैराग्राफिंग आपकी जो है राइटिंग का अच्छा एक स्टैंडर्ड उसको देता है, तो पैराग्राफिंग करना नेसेसरी है। एटलीस्ट 4 पैराग्राफ आप जरूर करें, किसी भी राइटिंग ऐसे के अंदर एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स नेसेसरी होते हैं। तो पैराग्राफिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पैराग्राफिंग करने का भी एक वे आउट होता है कि पैराग्राफ जैसे आप एक आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन जैसे आपने फर्स्ट आप कोई भी ओपनिंग एक जर्नल सेंटेंस ले लें, जब आप इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट लिख रहे हो तो एक ओपनिंग सेंटेंस ले टॉपिक के बारे में, फिर जब इंट्रोडक्शन के पॉइंट को पैराग्राफ को आप क्लोज कर रहे हैं तो उसके क्लोजिंग पॉइंट में आप थीसिस स्टेटमेंट को लें। थीसिस स्टेटमेंट आपने उसके बारे में ले लिया, देन आफ्टरवर्ड्स जब आप BP1 लिखना स्टार्ट करते हो तो BP1 लिखते टाइम में आपने क्या करना है, BP1 के लिए भी आपके पास में एक स्ट्रोक एक्सप्रेशन होना चाहिए और BP1 को क्लोज करने के लिए आपके पास में एक स्टॉक एक्सप्रेशन होना चाहिए। सो वंस यू हैव रिटन द स्टॉक एक्सप्रेशंस फॉर द BP1 एंड द BP2, देयर आफ्टर यू नीड टू राइट अ समरी। फॉर राइटिंग अ समरी यू नीड सम गुड स्टॉक्स ऑफ द समरी पॉइंट। समरी को लिखने के लिए भी आपके पास में गुड स्टॉक्स हों, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आफ्टर एनालाइजिंग द परस्पेक्टिव इट कैन बी सेट दैट, राइट। सो जो भी आप पॉइंट्स हैं आप वो डेमोन्स्ट्रेट करके देन फाइनली जो फाइनल सेंटेंस होता है आपके टॉपिक का वो आपके समरी से सॉरी इंट्रोडक्शन से और पैराग्राफ से मैच करना होना, उसकी मैचिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पॉइंट के अंदर क्या करना है आपने, पैराग्राफिंग को डिज़ाइन करना है कि 4 पैराग्राफ आपको कम से कम बनाने हैं। फर्दर इज़ देयर फाइंड अ स्टडी बॉडी, राइट। सो फाइंड अ स्टडी बॉडी व्हाट डज इट मीन, कोई भी पर्सन जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए या आप जर्नल कोई वैसे किसी और टाइप के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एसेज की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कोई ना कोई एक अपना फ्रेंड ऐसा देखें जिसके साथ में आप प्लानिंग कर सकें, टॉपिक के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, राइट। उसका होना भी ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फिर आप क्या करें, वैसे भी करना है, ये दोनों केसेस में आपने करना है, प्रूफ रीड योर ऑन वर्क। जो भी आपने लिखा है उसको अच्छे से एक बार प्रूफ रीड ज़रूर करें। प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग। फाइनली राइट एकेडमिकली। व्हाट डज इट मीन, जो भी आप ऐसे लिख रहे होते हैं उस ऐसे को आपने एक एकेडमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना है। देखिए 3 तरह की राइटिंग होती हैं जो हम लिखते हैं नॉर्मली। पहला स्टाइल होता है हमारा फॉर्मल, जो कि एक एकेडमिक स्टाइल होता है। देन नेक्स्ट इज सेमी फॉर्मल, लाइकवाइज जैसे फ्रेंड्स को किसी को लिखते हैं तो हम उसके अंदर कुछ भी इमोज वगैरह या वर्ड्स कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं इनफॉर्मल वो हम उसके अंदर फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर आप यू कैन राइट एनीथिंग, राइट। लाइक फॉर एन एग्जांपल यू आर राइटिंग इन इंग्लिश आप वर्ड है, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो AAP भी करके भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। या आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको आप लिखें, तो वो दैट इज़ अ इनफॉर्मल स्टैंडर्ड। तो आपने क्या करना है, एकेडमिकली ट्राई करना है और शॉर्टकट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने। सो ये कुछ टिप्स हैं, दीज टिप्स विल हेल्प यू डेफिनेटली फॉर इंक्रीजिंग योर बैंड स्कोर। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर हैविंग सम सजेशंस इन रिगार्ड्स ऑफ दिस काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर IELTS।